दोस्तों सदियों पुराना ग्लेशियर एक मलबे पर बसा है। पहाड़ी कस्बा जोशी मठ खतरे में है। आपको बता दें कि यहाँ का एक बड़ा हिस्सा दरक रहा है। सड़कों से लेकर मकानों की दीवारों तक यहाँ पर मोटी मोटी दरारें हो गई हैं। हालांकि इस शहर की खासियत एक से एक बढ़कर है। दोस्तों जोशी मठ को ज्योतिर्लिंग का शहर भी माना जाता है और यहाँ पर फौजी की छावनी भी मौजूद है। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे जोशी मठ के बारे में, जहां पर शंकराचार्य को ज्ञान मिला था। दोस्तों अगर वीडियो पे नए हो तो प्लीज चैनल को भी सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों आपको बता दें कि ठंड के समय में भगवान बद्री विशाल को बद्रीनाथ की जगह जोशी मठ में रखने की जगह है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ में जब नवंबर से या इससे पहले बर्फ जमनी शुरू हो जाती है तो यहाँ का सारा इलाका एक बर्फ की मोटी चादर से ढक जाता है। तब भगवान बद्री विशाल की गद्दी को जोशी मठ में आकर विराजमान किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों नरसिंह का एक सुंदर और पुराना मंदिर है, इसकी पूजा भी की जाती है। यहाँ पर यह गद्दी अप्रैल तक रहती है और तब तक बद्री विशाल यानी भगवान विष्णु के दर्शन करने वाले लोगों की संख्या अधिक बढ़ जाती है जोशी मठ में। आपको बता दें कि यहाँ की संस्कृति भगवान विष्णु की पौराणिकता के इर्द गिर्द बनी रहती है। प्राचीन नरसिंह मंदिर में लोगों का साल भर आना जाना लगा रहता है। पूरे देश से यहाँ पर पुजारी और साधु एवं संतों का भी आना जाना हमेशा रहता है। आपको बता दें कि शंकराचार्य को ज्ञान देने वाली जगह यही जोशी मठ है। दोस्तों जब दक्षिण भारत में एक गाँव में पैदा हुए आदि शंकराचार्य 8वीं सदी में सनातन धर्म को जागृत और सूत्रबद्ध करने का उन्होंने बीड़ा उठाया था और हजारों किलोमीटर दूर इस पहाड़ी पर जाकर पहुंचे। तब यहां पर बहुत ही छोटी बस्ती हुआ करती थी। वहां पर एक गुफा में उन्होंने ध्यान किया और वहीं पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद ही उन्होंने देश के चार हिस्सों में ज्योतिर्मठ स्थापित करने का फैसला किया। पहले ज्योतिर्मठ यहीं पर बनवाया गया था। आप यह कह सकते हैं कि सनातन धर्म को जागृत करने वाली असली स्थापना केंद्र जोशी मठ में ही है। आपको बता दें कि शंकराचार्य का यहाँ पर मठ बनवाया गया। इस जगह को ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। धार्मिक वैदिक और पौराणिक तौर पर यह काफी महत्व वाली जगह भी है। इसकी मान्यता ज्योतिष केंद्र के रूप में भी जानी जाती है। आपको बता दें कि प्राचीन मंदिरों और कत्योरी नरेशों की जगह मध्यकाल में जोशी मठ अपनी खास पहचान बना चुका था। यहाँ पर कत्योरी वंश बहुत ही फला और फूला और उनके नरेशों ने भी यहाँ की राजधानी पर राज किया है। आपको बता दें कि वासुदेव का अति प्राचीन मंदिर भी यहीं पर है। नरसिंह भगवान का मंदिर भी यहीं पर है। दोस्तों आपको बता दें शंकराचार्य के निवास की स्थान की गुफा यहीं पर मौजूद है। यहाँ की खास बात आपको बता दें कि यहीं पर कीमू वृक्ष है, जहाँ पर शंकराचार्य ने बैठकर महान ग्रंथों की रचना की थी। यहाँ पर बाद में भी ग्रंथ लिखे गए हैं और वैदिक शिक्षा तथा ज्ञान का एक ऐसा केंद्र माना जाता है जोशी मठ, जो कि दुनिया में सबसे प्रसिद्ध। दोस्तों आज हमने आपको बताया जोशी मठ के अनेकों अच्छी जानकारियाँ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।